सबों के सामने मेरी बहन को तंग किया तो वापस चले जाऊंगी। राइट राइट। ये है मेरी माँ, ये है मेरी भाभी और ये है मेरी बहन। थोड़ी बीमार थी इसलिए जरा दुबली हो गई है। ये है इनकी लाडली और ये है इनका लाडला। ये मेरी छोटी बहन और ये है मेरी दादी माँ। दादी माँ ये है मेरी दो दादी माँ ये है मेरी दो फ्रेंड्स। हाय नमस्ते। जीते रहो बेटी, अंदर आओ। बेटी तुम विनोद को कब से जानती हो? 4 साल से। हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। विनोद अच्छा लड़का है ना? जी। तुम्हें पसंद है? उषा बेटी मेरे साथ आओ। वैसे तो मैं तुम्हारे पिता को बहुत देर से जानती हूँ, लेकिन बंबई छोड़ने के बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो फिर टेलीफोन कर देती हैं, आ जाएंगी, मुलाकात हो जाएगी। नहीं, पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। अगर मैं उन्हें कहूँ कि मेरे विनोद को अपना दामाद बना लें तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? मनाना पड़ेगा, लेकिन मैं सिफारिश करूंगी। अरे चुप बे, तुझे नहीं मुझे बुला रही है। ऊपर आओ ना। जानते हो दादी माँ क्या कह रही थी? नहीं बता दो ना। कह रही थी कि मेरे डैडी पता नहीं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहेंगे या नहीं। अरे वो बूढ़ा तो इंतजार कर रहा होगा कि कब ये बलाएं उसके सर से टले। लगी तू नहीं हा? विनोद जी मेरे साथ अंदर चलो बेटे। सत्रह तारीख का अच्छा मुहूर्त निकलता है, तुम्हारी शादी पक्की कर दूं? इतनी जल्दी दादी माँ? हाँ, जितनी जल्दी शादी होगी उतनी ही जल्दी कुल का नाम बढ़ाने वाला पैदा होगा। मुझे तो गीता बहुत पसंद है, तुम्हें? मुझे दोनों पसंद है दादी माँ। अरे तुम दोनों से शादी करोगे क्या? दादी माँ देवी ने यही तो कहा था ना कि विनोद की दो शादियाँ होंगी। बहू पहले इसे एक का तो फैसला कर लेने दो। बोलो कौन सी पसंद है तुम्हें? मेरा ख्याल है दादी माँ वो जो मोटी है ना गीता, तुम्हारे लिए वो ज्यादा अच्छी बहू रहेगी। तुम अपनी बताओ तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी बीवी रहेगी। ये मैं सोचकर बताऊंगा। गीता 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 भगवान की पूजा तुम करती हो? ओ फल उसने मुझे दे दिया। पूजा पूजा सिर्फ मैं अपने लिए तो नहीं करती। दादी माई विनोद से मेरा रिश्ता पक्का करने वो दे दो मुझे आज के दिन और मुझे तुम्हें भी कुछ दादू की बात। दादी माँ तेरा जो विनोद किया शायद चुप क्यों हो गई? बिछुड़ जाने के ख्याल से दुखी हो गई? गीता पहले तो हमेशा अपने अपने घर चली जाती, मैंने भगवान से कभी कोई बात नहीं की, पर अब जरूर करूंगी कि तुम मुझे भी अपने घर जाओ और भगवान करे तुम्हें इससे भी अच्छा वर मिला। तुम्हें वो साड़ी चाहते ना? हाँ। विनोद की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी उषा। मैंने आपको फोन पर यह तो नहीं कहा था कि मैं विनोद के लिए उषा मांग रही हूँ। आपने जब कहा कि आप मेरी बेटी को बहू बनाना चाहती हैं, तो मैं समझा उषा की बात कर रही है। लेकिन गीता भी तो आपकी बेटी है। गीता को मैंने बेटी की तरह पाला है, लेकिन बात यह है उषा आपके विनोद से प्यार भी करती है। देखिए मेरी बेटी ने आज तक जो चाहा से मिला ये उसकी जिंदगी की पहली हार होगी और वो ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसे अपना लीजिए, वो आपके विनोद को हमेशा सुखी रखे
लेकिन विनोद गीता को प्यार करता है। उषा, रीता से तो तुम मिली हो, यह है उनके पति दत्त साहब। अरे उषा, तुम खुद इतनी सच के आई हो, मेरी बहू कितना संवारा होगा। बेटी, बेटी मैं समझाता हूँ, दरअसल मुझे गलतफहमी हुई जब आपने कहा कि आप विनोद से मेरी बेटी की शादी करना चाहती हैं, तो मेरा ध्यान तुम पर आया। मैं भूल ही गया कि लोग गीता को भी मेरी बेटी समझते हैं। बेटी, तुझे विनोद से भी अच्छा वर मिलेगा। दादी माँ से आशीर्वाद ले लो, वो लोग तुम्हारे लिए आए। लेकिन तुमने तो कहा था, वो तो डैडी की भूल थी। मैं नहीं जानती उषा, मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। बहुत खुशी करें, कल न जाने क्या होगा। जाओ। लेकिन तुम अगर कोई हो और तुमने अपनी पुजारिन की चंद आंसुओं पे मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, तो तुम भी सुन लो, तुम्हारी पुजारिन को जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। उषा, पी लो, सारे गम दूर हो जाएंगे। मेरे गम तो मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएंगे मोनल।
जिंदगानी है, प्यार नहीं तो क्या जिंदगानी है, प्यार नहीं तो क्या जिंदगानी है, प्यार जगा ले तू, हाथ बढ़ा ले तू, जिसपे है दिल तेरा अपना बना ले तू, पाना सके तो खोना पड़ेगा, दुनिया हंसेगी तुझे रोना पड़ेगा, उठ जा उठ जा। अपने और तुम्हारे जिस्म के। मेरा जिस्म भूखा नहीं है, मेरी तो रूह भूखी है, उसे तुम्हारी नहीं किसी की भी नहीं, सिर्फ विनोद के प्यार की जरूरत है। लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है। वो मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन तो एक दिन आपने किया था डैडी, जब आप उस यतीम लड़की गीता को यहाँ ले आए थे। वो हर उस चीज के हिस्सेदार बन गई जिसकी मैं मालिक थी। मैंने रहम खाकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो वो मेरा विनोद भी। तुम्हारा विनोद, तुम्हारा विनोद। अगर विनोद तुम्हारा होता तो वो तुम्हारी बजाय गीता से शादी क्यों करता? वो मुझसे मोहब्बत करते थे डैडी, मुझसे। इस कमीनी गीता ने जाने क्या चाल चली, दादी माँ की बात मानकर उससे शादी कर ली। अब उसकी शादी हो गई उषा, बात खत्म हो गई, भूल जाओ। भूल जाऊं मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी जिसने मेरे विनोद मुझसे छीन लिया। क्या हुआ, क्या बात है? बहू, ये कहां से आ गई? चल अंदर। विनोद, बहू किससे पहले भी चक्कर आए थे क्या? हाँ दादी माँ, आज सुबह उल्टी भी आई थी। ये सब तुम्हारा कसूर है। लेकिन दादी माँ, मैंने क्या किया? अरे बुद्धू, तू बाप बनने वाला है। चलो चलो, बहू को संभाल कर अंदर ले चलो। दादी माँ, उठा के ले चलो। हाँ, ले चल, चल। गीता जी, मैंने तुम्हें झूला झूलने से मना किया था ना? जी दादी माँ। दादी माँ, आप भाभी को मना करती हैं, मुझे क्यों नहीं? मुझे तेरी सास मना करेंगे एक दिन। चल मर। चलो उतरो। अरे अरे अरे, आराम से बेटी, आराम से संभल के बैठो। देखो बेटी, ऊंची नीची जगह पर चलना, झूला झूलना, विनोद के साथ पार के शहर, कुछ दिन के लिए बंद कर दो। मुन्ना हो जाए फिर जो दिल में आए सो करना। अच्छा, अरे इतना शर्मा क्यों हो? आप बातें ही ऐसी करते हैं। अरे मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, तुम तो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हो। छी। अच्छा ये बताओ, लड़के का नाम क्या थी? सुनील। और लड़की हुई तो सुनीला। अरे लड़कियां तो इस घर में पहले ही बहुत ज्यादा हैं, और इसके अलावा ये लड़के का झंझट एक ही बार दूर कर दो तो अच्छा है। क्यों भला?
ताकि एक ही बार तुमसे दूर रहना पड़े। जानती हो दादी माँ का ऑर्डर क्या है? क्या? विनोद, ना पैदा होने तक तुम हमारी बहू से दूर रहा करो। मामी मामी। क्या है बे? जल्दी चलो, तुम्हें दादी माँ बुलाती है। चल चल, अभी आती है। देखो मामा, जास्ती बंकस नहीं करना वरना दादी माँ को बता दो। क्या बता दोगे? बता दो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कितनी बार तुम्हें कहा है, समझाया है, लेकिन अकल की बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। ऊंची नीची जमीन पर चलने से मैं मना किया था, और तुम हिरनी की तरह चौकड़ियां भर रही हो। पैर फिसल जाए, गिर पड़ो तो जानती हो क्या होगा? मुन्ना रहेगा। चल भाग यहां से, जा। सुनो बाबू, तुम्हारी बहन उषा का फोन आया था। ये सुनकर के तुम मां बनने वाली हो वो बहुत खुश हुई, उसने तुम दोनों को बंबई बुलाया है। उषा, तुम क्या समझती हो, हमारा मुन्ना पैदा होते ही इन खिलौनों के साथ खेलने लगेगा क्या? इंसान की फितरत ही होती है, छुटपन में वो बेजान खिलौने से खेलता है और बड़ा होकर जानदार खिलौनों से। गीता बैठो, तो तुम्हारे कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। और विनोद, बिजनेस का क्या हाल है? जी बहुत। क्या मालूम, सारा बिजनेस तो इनके जीजा जी संभालते हैं। और तुम क्या समझती हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत बीवी को घर में रखकर विनोद क्या सारा दिन अंडे गिनता रहेगा? गीता, इतने तो बाद आई हो, कुछ दिन यहाँ क्यों नहीं रह जाती? क्यों सर, आज बहुत प्यार आ रहा तुम्हें अपनी बहन पर। डैडी, साथी के बिछड़ जाने का एहसास कुछ और भी ज्यादा हो जाता है जब वो पल दो पल के लिए सामने आ जाए। तुम दोनों कभी मुझे याद करते हो कि नहीं? सच पूछो तो हमारे घर में भगवान के सिवा कोई किसी को याद नहीं करता, वो भी सिर्फ इसलिए कि खानदान में एक लड़का आ जाए। हमारे खानदान की लड़की तुम्हारे खानदान को एक लड़का जरूर देगी। गीता, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज लाई हूँ, तुम ये पी लो, तब तुम्हें दिखाती हूँ। क्या हुआ उषा? मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो तब आएंगे ही। इसे रोज सुबह देखा करो, तुम्हें जरूर लड़का पैदा होगा। थैंक यू। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक सेट लाई थी, इसे पहनकर देखो, अच्छा है ना? हाँ, अपने हाथों से पहना दो। क्या हुआ उषा? कुछ नहीं, धागे उलझ गए थे। क्या हो गया, फिर चक्कर आ गया क्या? चलो नीचे चलो, खाना खाकर तुम और विनोद दोनों आराम कर लेना। आओ। मुझे अफसोस है कि मैं आपके पोते को नहीं बचा सका। पोता? जी हाँ, अगर आपकी बहू सीढ़ियों से न गिरती
तो आपके खानदान को एक वारिस मिल जाता। इतना दुख मत करो दादी माँ, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। कभी कभी भगवान के घर अंधेर भी हो जाता है मिस्टर सक्सेना। इस एक्सीडेंट के बाद आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकेगी। लेकिन इसका मतलब है हमारे खानदान का कोई वारिस नहीं होगा। हाँ दादी माँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बहन को एक फालतू और बेकार की लड़की समझकर उसके साथ बदसुलूकी करें। ये तुम क्या कह रही हो उषा? क्यों, बहुत से खानदानों की यही तो कहानी है विनोद। बच्चा न होने पर बहू को इतना तंग किया जाता है कि या तो जान दे दे या भाग जाए ताकि लड़के की दूसरी शादी की जा सके। उषा, हमारे खानदान में वारिस हो ना हो, गीता के साथ वही सलूक किया जाएगा जो उसके साथ पहले किया जाता था। दादी मां, गीता मां नहीं बन सकती, ये बात आप उससे मत कहिएगा। वक्त आने पर मैं खुद उससे कह दूंगा। मां, बहू, जब हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो पीछे से आवाज मत दिया करो, बस शगुनी होती है। चलो कृष्ण। श्याम जी, दादी मां मुझसे नाराज हैं। हाँ, तो मैं अभागन कहती थी। अभागन, ये क्या कर रहे हो श्याम? ठीक से लिखो ना। लिखता हूँ ना मां। एक बात पूछूं? पूछो बहू। इस घर में मुझे इतना प्यार किया जाता था, इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया जाता था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। क्यों? इसलिए मामी कि अब तुम श्याम बताइए ना माँ। मैं क्या बताऊं बहू? सिर्फ इतना कि आप अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लग गए? मैं जिससे भी बात करना चाहती हूँ वो मुंह फेर कर चला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं बहू, तुम्हें वहम हो गया है। गीता, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सोच रही थी अगर मेरा पांव यहाँ से फिसल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसे क्यों सोच रही हो, क्या बात है? आप ही बताइए क्या बात है। जो अब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं, कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, सब इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में कोई बोझ हूँ। नहीं गीता, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कौन सी बात की सजा दे रहे हैं सब मुझे? सुबह अम्मा जी को प्रणाम करने गई तो उन्होंने मुंह फेर लिया। हॉस्पिटल से आने के बाद दादी माँ ने मुझसे बात तक नहीं की। भाभी और बच्ची अभी शायद उन्हीं के डर से चुप चुप सी रहे। रो मत गीता, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ने के जाने का दुख उन्हें ज्यादा है और मुझे नहीं, जिसका वो बेटा था। अच्छा चुप हो जाओ, मैं उन सबको खूब डांटूंगा। तुम्हें यकीन नहीं, मैं तुम्हारे सामने एक एक को लाइन में खड़ा करके डांटूंगा, दादी माँ को भी। क्या समझती अपने आप को? एक ही एक मेरी बीवी है और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करती। और अगर तुम भी मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हें भी डांटूंगा। चलो हंस पड़ो, हंस पड़ो। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी मुस्कुराहट, छोटी सी दैट्स अ लवली स्माइल। चलो तुम्हारी इस मुस्कुराहट पे तुम्हें एक प्रेजेंट देते हैं। ये देखो, इसका नाम है लिजी। अच्छी नहीं लगी? हाउस होगी, दूसरी शादी जरूर होगी। और दूसरी शादी के बाद हमारे घर मुन्ना होगा? होगा, जरूर होगा। ये लीजिए दादी माँ, आपकी बेटी का बेटा, इसके रगों में भी आप ही का खून बह रहा है, इस गोद ले लीजिए। तुम हर बात मजाक में मत टाल दिया करो विनोद। मजाक तो आप कर रही हैं दादी माँ, एक लड़का पैदा हो जाए इसके लिए पति पत्नी के उस नाते को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं जो भगवान के घर बनता है और सिर्फ मौत के हाथों टूटता है। अगर एक बीवी खानदान को वारिश देने के काबिल ना हो तो आदमी दूसरी शादी। हाँ हाँ दादी माँ, आप भी यही कह रही हैं, लेकिन अगर ये बात आप गीता के दिल से पूछिए कि उसका पति दूसरी शादी का ख्याल भी दिल में ला सके तो क्या वो जानकर जी सकेगी? अगर उसे तुमसे प्यार है, तुम्हारे खानदान की भलाई का ख्याल है तो वो ये कुर्बानी जरूर करेगी। Thank you.
से प्यार है, तुम्हारे खानदान की भलाई का ख्याल है, तो ये कुर्बानी जरूर करेगी। तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे? मुझे पल तो पल के अंधेरे में देखकर घबरा गए, लेकिन जीवन अंधेर हुआ तो कुछ न बोले। तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं, मुझे जाना है। कहाँ? जहाँ एक अच्छी पत्नी को इस वक्त होना चाहिए। एक अच्छी पत्नी को हमेशा अपने पति के साथ होना चाहिए। गीता, गीता मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगी। बसने यार का इंतजार था, न मैं सो सका न वो आ सके, मेरी हसरतों के मजार पर वो चराग भी न जला सके। बसने यार का इंतजार था। मुझे लग रहा है कहा तो था कुछ उनकी सहमी निगाह ने, न तो मैं इशारा समझ सका, न वो साफ साफ बता सके। वसने यार का इंतजार था। वो थे आज इतने उदास क्यों, न ठहर सके मेरे पास क्यों, मैंने डाख पूछा सबब मगर वो जुबां पे कुछ भी न ला सके। वसले यार का इंतजार था। वो नाए इसका नहीं गिला, थैंक यू।
मैं आपकी खुश और खानदान की भलाई के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जीता कहाँ चली गई? तुम्हें किसा? दादी माँ का फोन आया था। मैं तो समझा वो शायद तुम्हारे घर गई होगी, इसलिए मैं बॉम्बे जा रहा था। नहीं विनोद, वो अपना घर छोड़कर कभी किसी के घर नहीं जाएगी। मुझे तो डर है कहीं वो अपने आप को। नहीं उषा ऐसा। ये तो गीता का शॉल है। सिर्फ हड्डियों का एक पिंजर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली की उम्र 20 या 22 साल के करीब होगी। हाँ बाबा। कहाँ जाओगे? यहाँ से बहुत दूर जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, ये चलता आओ। पर इसे तकदीर का लिखा मानकर ही बर्दाश्त कर लो। गीता अब जिंदा नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। तुम दोनों का चंद रोज का साथ था, खत्म हो गया। वो अपनी मंजिल पर चली गई, तुम्हें अकेला छोड़ गई, लेकिन वो कभी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहेगी। विनोद, आत्महत्या करने से पहले गीता मेरे नाम एक खत लिख गई थी। इतने दिन तक वो खत मैंने तुम्हें दिखाया, पर आज तुम्हारी हालत देखकर तुम ही पढ़ लो। उषा, मैं जानती हूँ तुम विनोद से बहुत प्यार करती हो। मेरे जाने के बाद विनोद को संभालना, उससे शादी कर लेना। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने कहा था मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इंसान अपनी अकल से जो भी चाहे कह दे, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर हो। हाँ बेटी, तुम माँ बनने वाली हो, जाओ अपने घर जाओ। हाँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने घर जाना चाहिए। मुझे अब किसका डर? अब मुझे कोई कलंक नहीं कहेगा, कोई अभागन नहीं कहेगा। मैं माँ बन सकती हूँ, मैं माँ बन सकती हूँ। मैं अभी घर जाऊंगी, मैं अभी घर जाऊंगी, मैं अभी घर जाऊंगी। तुम्हें ऊंची नीची जगह पर चलने से मना किया था और तुम फिरनी की तरह चौकड़ा भर रही हो। पैर फिसल जाए, गिर पड़ो तो जानती हो क्या होगा। नहीं दादी माँ, अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। बहू को जल्दी ला, अभी लाती हूँ। सुनो भाई, आज यहाँ क्या था? आप इस गांव में नहीं लगती हैं। आज छोटे साहब की दूसरी शादी, पहली बीवी बाहर से गिरकर मर गई। शादी हो गई क्या? वो देखो, दूल्हा दुल्हन है। Thank you.
छोड़ो मुझे। अरे सुबह से एक मछली भी कांटे में नहीं फंसी। मेरा हाथ छोड़ो। तुम हाथ में आई हो तो कैसे छोड़ दूं? कमीने छोड़ दो मुझे, कमीने। मैं इस मंदिर का पुजारी। बेटी क्या बात है, कहां से आई? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूं। मैं अपने घर जा सकती तो उसे छोड़कर क्यों आती पापा? मैं तुम्हारे घर छोड़ने का कारण तो नहीं जानता बेटी, लेकिन छोड़ ही दिया तो दुनिया का मुकाबला आंसुओं से नहीं कर सकोगे। जाओ बेटी, अपने घर वापस जाओ। देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए था, डर क्यों गई? तुम अब सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि सौती हो। उषा बहुत देर बाद जान पाई कि जो बदनसीबी मेरे जीवन में आई उसकी वजह तुम हो। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की है। मेरा पति, मेरा घर, मेरा सब कुछ छीनकर मुझसे कोई बुराई नहीं की उषा। आज मैं वो सब कुछ तुमसे वापस लेने आई हूँ जो धोखा देकर तुमने मुझसे ले लिया था। सुनो, घर में कोई नहीं है इस वक्त, तुम मुझ पर मेहरबानी करो, चली जाओ यहाँ से, जो मांगोगी मैं दूंगी। वादा करती हो? हाँ। तो फिर मेरा पति मुझे लौटा। मैं जानती थी तुम झूठी हो, अपना वादा पूरा नहीं करोगे, लेकिन अपना हक मैं तुमसे क्यों मांगू? नहीं, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ? हा? क्या हुआ? हा? मैंने एक बहुत प्यारा एक सपना देखा, कोई मुझसे छीन के ले जा रहा था, मैंने उसकी जान ले ली। अरे पगली, भला मुझे तुमसे कोई छीन के ले जा सकता है? हा? कोई ले जा सकता ना? कोई नहीं। करता हूं, तुम तो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हो। अच्छा ये बताओ, लड़के का नाम क्या रखेंगे? क्या हंसती हो? और इसके अलावा ये लड़के का झंझट एक ही बार दूर कर दो तो अच्छा है। क्यों बेला? कौन? मैं हूं विनोद। उषा तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ। लो केक खाओ। लो। ये मिचलाता है क्या? मिट्टी खाने को जी चाहता है? मिट्टी? हाँ हाँ, इसके पैदा होने पर मैं तो मिट्टी का पूरा चूल्हा ही खा गई थी। तभी हमारे घर में ये नमूना पैदा हुआ है। बता
कभी कभी चक्कर भी आते हैं क्या? विनोद ने आपको बताया नहीं? दादी माँ, शायद भगवान ने आपकी सुन ली। मैं पहले ही जानती थी मेरी बहू मेरी आशाओं को जरूर पूरा करेगी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। इस बच्चे का नाम क्या रखोगे बेटी? सुनील, सुनील। और बाप का नाम क्या है? बाप का नाम मैं नहीं बता सकती। क्यों? कुछ कारण है। मैं नहीं चाहती उन्हें बच्चे के इस संसार में आने का पता चले। मुबारक हो, आपकी बहू ने बहुत सुंदर, बहुत गोरा, बहुत मोटा मोटा लड़का हुआ। जी नहीं, लड़की हुआ है। चिंता करें दादी माँ, अगली बार भगवान लड़का देगा। ना ना, नहीं लोटे, मेरा राजा बेटा है ना। अच्छा, चुप हो जाओ। हाँ, नहीं 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 लोटे, नहीं बाबा। बेटी, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी कमाई के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा दुख और अपनी उम्र देखकर मैं ऐसा सोचती हूँ, क्यों ना तुम्हें ही अपनी बेटी बना लूं और खुद रिटायर हो जाऊं। आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं? ऐसे यहाँ दिल फेंक लोगों की भी कमी नहीं। कुछ रंडुए, कुछ कुंवारे, मैं यहाँ उन सब की जरूरत पूरी करती हूँ। समझ गई ना बेटी? अच्छा बिटिया। इस बिटिया को तो संभाल के रखो, बड़ी बिगड़ी हुई है। ये भी इसी तरह बिगड़ी हुई है। हम तो जाते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें भी भिजवा कर लेंगे। भिजवा दिया। बहू इतनी चिंता मत किया करो। चिंता किस बात की? इसलिए कि इस बार भी भगवान ने तुम्हें लड़की दी। खैर, अगली बार जरूर लड़का देगा। अगली बार? अब कोई अगली बार नहीं होगी दादी माँ। क्यों, दो बच्चे हो गए हैं काफी है? बहू, हमने विनोद की दूसरी शादी सिर्फ इसलिए। दादी माँ, इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाई, मुन्ने उन्ने की कुल बनाने की बातें मुझसे नहीं क्या करूं, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दादी माँ, दादी माँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। पहले का खिलौना सब बिक गया। लो जी, ये इनके पैसे। पैसे इधर ला, ते पहले दे खिलौने ऐ पैने एना नु भी ला जा। तो आप मुझ पर एहसान कर रहे थे? एहसान नहीं, बेवकूफी कर रहे थे। अरे यार चुप, बदतमीज। तुम चुप करो। सुन पैन, तू कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर दी जिदी डिमांड होवे? एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन ये बेचारी क्या काम कर सकती है? क्यों, कपड़े सीवे? सब तो पहले मैं सिलाऊंगी। मशीन तेरा बाप ला के देगा? मेरा बाप नहीं, तू ला के देगा। मैं? इंस्टॉलमेंट पर। पर सुन पैन, जितना कमाओ महीने दे महीने इंस्टॉलमेंट देते जाना। जल्दी से शुक्रिया बोल दो, नहीं तो दिल बदल जाएगा। जी धन्यवाद। क्यों जी, मैं ऐसी हाँ कि मेरा दिल फिर जाए? मैं तो मस्करी कर रहा था। सच्ची? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन दादी माँ से तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। नहीं कहूंगी, अगर तुम भी उनसे ये कह दो कि पोते पोते की रट लगाकर वो भी मुझे बोलना क्या करे। ये ना भूलो उषा कि दादी माँ ने मेरी दूसरी शादी इसलिए कराई थी कि इस घर में मुझे से कोई गरज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए, अपनी बहन की आत्मा को शांति देने के लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहे। उषा, तुम तो जानती हो कि दादी माँ पुराने ख्यालात की हैं। इसीलिए मैंने सोचा है विनोद कि हम दोनों यहाँ से कहीं और चले जाएं। सबको छोड़कर? अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते तो मुझसे कहो, मैं अपने डैडी के यहाँ चली जाऊंगी। बोलो विनोद, क्या है तुम्हारा फैसला? उषा, मैं दादी माँ को समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी बीवी को नहीं समझा सकते थे जो मुझे समझाने आ गए हो?
एक इंसान अगर दूसरे इंसान को समझा सकता तो शायद भगवान बन जाता दादी माँ। मैं तो सिर्फ आपसे विनती करने आया हूँ कि कुछ दिनों के लिए मुझे आप वहां जाने। कुछ दिनों के लिए क्यों? बीबी की हट मानकर हमेशा के लिए चले जाओ। नाराज नहीं होते दादी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मैं वहां से वापस आऊंगा आपके लिए एक पता लेकर आऊंगा। माँ, अरे जरा इधर रख सुनील। माँ, अब हमारा घर गांव में सबसे सुंदर है ना? हाँ, सबसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा बेटा गांव का सबसे सुंदर बेटा। और सुंदर बेटे का डैडी? सुंदर बेटे का डैडी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। माँ, मेरे डैडी कभी आएंगे? बहुत जल्द आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। चलो चलो, तुम्हें आज स्कूल जाना है ना? चलो। किसी डेयरी फार्म से जाके पूछ लीजिए ना। क्या मुन्ना सवेरे सवेरे मूड खराब कर रहा है? जी बिल्कुल सीधा है, मगर लोनी फार्म तो बिक चुकी। मैंने खरीदी है। आपने खरीदी? आपसे मिलके बड़ी खुशी। क्या फायदा, जो भी यहाँ आता है बीवी बच्चा साथ लेकर आता है। बच्चे का नाम सुनील। जी इसके पिता का नाम? जी। आप उनका नाम नहीं लेना चाहती तो लिख के बता दीजिए। विनोद सक्सेना। विनोद सक्सेना। माँ, मैं बिटिया को यहाँ रख सकता हूँ? वो यहाँ क्या करेगी बेटा? वो मेरे साथ बैठेगी। वो टीचर सब डांटेंगे। नहीं डांटेंगे। अच्छा बाबा रख लेना। लेकिन देखो शरारत मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा माँ। बच्चे का नाम सुनीला। आपका नाम विनोद सक्सेना। क्या बात है, आप इस तरह मुझे? बड़ी अजीब बात है, अभी अभी एक बच्चे को दाखिल किया, उसका नाम भी सुनील है और बाप का नाम विनोद सक्सेना। सुनील और लड़की हुई तो सुनीला। आप किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा था कि बहुत ही अजीब बात है। सुनीला सक्सेना, पिता का नाम विनोद सक्सेना। सुनो, तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं आई? मेरा भाई होता तो हम यहाँ क्यों आते? तो क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? है तो नहीं, लेकिन अच्छा है। आप बोले तो बना लो। बना लो। तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। अच्छा, तो इसीलिए टीचर ने बोला कि तुम मेरे भाई हो। अरे तुम इसको भी ले आए। टीचर को मालूम पड़ जाए। ये क्या है? ये कूपन है, इसे अपने को फ्री गिफ्ट मिलते हैं। कैसे? ये इसी से तो दिया था। ओ, आपके लिए जमा करूं? नहीं। क्यों? मेरी मम्मी कहती है किसी से भी कुछ चीज नहीं लेना चाहिए। मेरी मम्मी तो ऐसी है, चीज किसी की भी हो अच्छी लगे तो ले लेती है। ये बेचेगा क्या? चल चल फुट। दीदी दीदी मुझे कुत्ता चाहिए। हेजलिन स्नो और हेजलिन विजिटर आपकी त्वचा को कोमल और सुंदर बनाता है। प्रतिदिन इसके इस्तेमाल से सुंदरता बढ़ाइए। वो ला देंगे। अभी सुमर में कुत्ते खरीदने भेजो, जाओ खुद ही ले आओ मेरे सालग्राम के लिए। ओके डार्लिंग, तुम कहते हो तो मैं खुद ही खरीद लाऊंगी। हाउ स्वीट ऑफ यू। अपनी औलाद को कोई नहीं बेचता जमींदारन जी। मैडम, मैं आपका बेटा खरीदने नहीं आई, ये कुतिया खरीदने आई हूँ। ये मेरी बिटिया है। भाव बढ़ाने के लिए इसे बेटी कहो या भतीजी, क्या दाम लोगी? 100, 200, 300? ज्यादा बातें सुनने की मैं आदि नहीं जमींदार जी। आप जाइए यहाँ से, वरना। वरना क्या? वरना मैं बताऊं बिटिया। बिटिया। खैर, दुनिया में जो चीज खरीदी नहीं जा सकती उसे हासिल करने के लिए और भी कई तरीके हैं। चलो किशन,
नहीं, मुझे बिटिया चाहिए, मिल जाएगी। दीदी दीदी मुझे कुत्ता चाहिए। क्यों जानम, मेरे सालक राम को कुत्ता लेकर नहीं दिया? नहीं बेचती, वो कहती है ये कुतिया बिटिया है। तो जाने दो। नहीं मुझे चाहिए। देखिए आप अपने लोगों से कह दीजिए ना कि उसे चुरा कर ले आए। चुरा कर? चमना कभी नहीं। नहीं नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी दादी को वचन दिया था, फिर मरवा दिया। कुत्ता चाहिए फुट। ये क्या कर रही हो? मैं इस घर की मैल भी ले जाना नहीं चाहती। मत जाओ जानम, मत जाओ। तो तुम वही करोगे? तो हुक्म दो ना। अबे ओ आराम साधो, जाओ उस कुतिया को चुरा लो। जब तुम्हें राखी बांधे तो ये 1 रुपया उसे दे देना। अच्छा अच्छा। अरे मास्टर जी आप? हाँ, तुम्हारी मामी से राखी बंधवाने आया हूँ। 1 रुपया लाए हैं? हाँ हाँ लाया हूँ। तो जाइए। कौन हो तुम? मैं सुनीला का भाई हूँ, उसे राखी बंधवाने आया हूँ। देखो सुनीला का कोई भाई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं उससे राखी बनवा कर चला जाऊंगा। तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। सुनीला ने मुझे बुलाया। और सुनीला की माँ तुमसे यहाँ से जाने को कह रही है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चलो छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, चलो। कभी मत आना यहाँ। हे क्यों रो रहे हो तुम? सुनीला की मम्मी ने मुझे मारा। क्यों? मैं राखी बनवाने आया था, उसने मुझे घर से निकाल दिया। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं नहीं, वो बहुत बुरी है, तुम्हें भी घर से निकाल देगी। नहीं नहीं, मुझे घर से नहीं निकालेगी। चलो फिर ले आ तुम इसको। देखो उषा, जो खुशी तुम बच्चों को नहीं देना चाहती, अगर भगवान उन्हें दे रहा है तो उसमें तुम दखल क्यों देती हो? सुनीला, ओ सुनीला। यस डैडी। देखो बेटी, सुनीता को बुलाओ और दोनों मिलकर इसे राखी बनवाओ। यस डैडी। दो से राखी बनवानी पड़ेगी। क्यों? मम्मी ने तो 1 रुपया दिया और यहाँ तो 2 बहने हैं। आपके पास 1 रुपया है? हुँ? मैं कल वापस कर दूंगा। ये लो। सुनीता आ गई, राखी बनवा लो। सुनील
मेहंदी लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। बेटे तुम हमारा मुँह नहीं कराओगे? ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब होंगे? नहीं होंगे। तो फिर खाइए। मास्टर जी, कभी हमारी तरफ भी नजर उठा कर तो देखो। मुश्किल काम है। आपको देख के तो नजरें छुप जाती हैं। और उसे देखकर? उन्हें देखकर भी छुप जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्हें देखकर इज्जत से झुकती हैं और आपको देख के शर्म से। अरे मास्टर जी, एक दिन मैंने भी तुम्हें शर्मसार न किया तो मेरा नाम भी चमेली बाई नहीं। हाँ, और मैं भी चमेली बाई का अरे बड़ा भाई नहीं छोटा। अरे मगर मारती क्यों है? अरे रो क्यों रहे हो? चलो चलो। अरे मोटू, पहलवान के बाप रोता क्यों है? अरे तुम जो चमेली बाई से मिलने नहीं आते। अरे तुम्हारी चमेली से तो क्या, मैं अपनी चमेली से भी नहीं मिल सका। जब से ये टेलरी की बच्ची यहाँ आई है, मेरा तो धंधा ही ठप हो गया है, एक ग्राहक नहीं आया। अरे बेवकूफ, तेरे को कपड़ा सीना नहीं आता है तो कौन ग्राहक आएगा तेरे पास? ग्राहक कैसे आएगा? इसके आने से पहले इस गांव के लोग क्या नंगे घूमते थे? चुप बदतमीज, चुप बदतमीज। ये सब शरारत तुम्हारी है। तुम मशीन ना दिलाते ना मेरी मशीन बंद होती। पंडित, अगर इतनी खुन्नस है तो इसे गांव से बाहर क्यों नहीं कर देते हो? गांव से बाहर तो क्या, बल्कि देश निकाला कर दो। अगर जमींदार का साला मैं होता तो अब तक ये गांव से बाहर जा चुकी होती, नहीं तो मेरे घर के अंदर। घर के अंदर? अरे मुर्दार, घर वाली तो संभाल ही नहीं जाती। और बोला घर के अंदर, चलो घर में। जब से ये नाखसमी गीत आई है, गांव के सभी मर्द बेमान हो रहे हैं। दीवान साहब, इससे तो मैं ही अच्छी हूँ, जो कुछ करती हूँ खुला मुखला करती हूँ, इसकी तरह बंद दरवाजे में तो नहीं करती। क्या क्या करती हूँ मैं बंद दरवाजे के पीछे? कौन से पाप करती हूँ? सब देख रहा है, सब सुन रहा है। चुप क्यों है? क्यों नहीं बंद कर देता इन लोगों की जुबान? क्या है सुनील और उसके डैडी तुमसे मिलने आए? मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। तुम फिर रो रही हो माँ? नहीं बेटे, उनसे कह दो मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। हमारी नन्ही बिटिया भी आपको पसंद करती है। बेटे, क्या नाम है इसका? बिटिया। और माँ ने कहा है वो आज नहीं मिल सकती। क्यों? वो रोती थी। क्यों? मालूम नहीं, वो बहुत रोती है। अच्छा बेटे, हम लोग फिर कभी आएंगे। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। संरक्षण करा। इसे बिटिया चाहिए, उसे खरीद नहीं सकते, उसे चुरा नहीं सकते, क्या किया जाए? परवाह डालिए ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसकी बेसुरी बांसुरी के लिए किसी की बिटिया को मरवा डालें? आपको ये करना ही होगा। नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी नानी को वचन दिया था कि मैं कभी किसी को नहीं मरवाऊंगा। मेरे भाई के लिए भी नहीं, तुम्हारी अम्मा के लिए भी नहीं। नहीं 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 नहीं। फिर मरवा दिया ना, चल फुट फुट। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं,
तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। जा रही हूँ मैं, वही फटी साड़ी पहनकर जिसको पहनकर आई थी मैं। मत जाओ जानू, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तो फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी? करूंगा, एनी टाइम प्लीज। ओ डार्लिंग। तो फिर हुक्म दो अभी। कौन था ये बेटा? मेहमान का चमचा। अच्छा, जो मैं घर छोड़ दूँ? घर नहीं, स्कूल। आओ। फिर तुम भी आ जाओ। जी। सुनील, इसे पकड़ो जरा। सुनील, मैंने जमींदार से पूछा था, उसने कहा कि उसका आदमी तो बिटिया को मारने आया ही नहीं। जितना मोटा है उतना झूठा है। मोटे तो तुम भी कम नहीं हो। क्या करूं, माँ इतना खिलाती है कि पेट फूक जाता है। मेरी मम्मी तो ऐसी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, जैसी खुद सुखी है वैसी मेरे को भी बनाएगी। सुनीला, ये मम्मी ने सुना ना तो तुम्हारी मरम्मत कर देगी। वो तो वैसे भी करती रहती है, मम्मी हो तो सुनील की मम्मी जैसी, और डैडी हो तो सुनीला के डैडी जैसे। क्यों, अपने डैडी तुम्हें पसंद नहीं? उनसे कभी मिला नहीं हूँ। माँ कहती है सबसे सुंदर डैडी, मगर मैं कहता हूँ सबसे सुंदर आप हैं। तुमने अपने डैडी को देखा नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ऐसा करो, तुम मुझे अपने डैडी का नाम बता दो, मैं उन्हें तुमसे मिला दूँ। मेरे डैडी, 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 मम्मी। क्यों, क्या हुआ? मेरा सर कहीं भी रुक जाती है, इसको अच्छी तरह ठीक करा नहीं तो मैं तुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। ड्रामा मत करो, बाहर आओ, मैं देखता हूं। अरे बच्चों, जरा धक्का लगाओ प्लीज, आओ आओ, आ जाओ। हाँ माँ। अरे तुम लोग यहाँ आइए ना आंटी, आज हमारे डैडी से मिलिए ना। अरे मगर चलिए ना, चलिए ना माँ। ओ आओ उषा, हमारे डैडी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। और मम्मी खुश नहीं होगी? बेटी सुन। अरे हकीम साहब आप? हाँ बेटी, जीती रहो बेटी, चल के अपनी चाची के लिए कुर्ता पजामा सी दे, बेचारी सब से कह रही है। हकीम साहब मैं कल। आज चल के सी दे बेटी, तुझे दुआएं देगी। अच्छा जाओ बेटा, चूल्हे के पास खाना पड़ा है वो खा लेना। चलिए हकीम साहब। चलो बेटी। भाई साहब मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, आप जरा साइड में ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भाई, अच्छा, थैंक यू। तुम भी आ गए? तो क्या हुआ सुनील, डैडी रोज मुझे पढ़ाया करते हैं, तुम भी आ जाया करो ना। इसकी डैडी इसे पढ़ा दिया करेंगे, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र पड़ी है? उषा, डैडी इसके हो या उसके, बात तो एक ही है ना। क्या? अरे बाबा, बात तो पढ़ाई की है ना, अगर मैं पढ़ा दिया करूँ तो क्या हर्ज है?
वहाँ दादी माँ के पोते पोते की रट से भागना पड़ा था, यह इसके भाई भाई की रट से मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन इस बार अकेले। I'm sorry, हमारा ड्राइवर बहुत बेवकूफ है, आपके कीमती शिफॉन की साड़ी खराब कर दी। आपकी नजर है जिसने इसे शिफॉन बना दिया, वरना अपनी कमाई से तो मैं सिर्फ मलमल ही खरीद सकती हूँ। अपनी कमाई से तुम क्या कर सकती हो वो तो सभी जानते हैं। क्या मतलब? गांव में सबसे खूबसूरत घर है तुम्हारा, पंखा है, रेडियो है और कपड़े सीने की मशीन भी, ये सब तुम अपनी कमाई से तो खरीद सकती हो, लेकिन मशीन की कमाई से नहीं। एक चोर को सभी चोर नजर आते हैं जमींदारन। गीता, अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। और सिर्फ इतना कहूंगी कि एक शरीफ औरत पर कीचड़ उछालने से पहले तुम जैसी औरत को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी नंगी कि न कोई दामन है न दामन में झांकने के लिए नजर। सच्ची बात कहने पर मुझे थप्पड़ मारने का तुम्हें हक है, क्योंकि तुम अमीर हो, लेकिन मैं चूंकि गरीब हूँ और गरीब को जितना दबाया जाए वो उतना उभरता है, इसलिए थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने का हक मुझे भी है, है। अब मजा आएगा सैलरी की बच्ची। आज के बाद मेरे खिलाफ जिस किसी ने कुछ भी कहा मैं उसकी यही हालत करूंगी। आप फिक्र न कीजिए, मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा। आप भी किसके मुंह लगती हैं जमींदारिन, जानती नहीं ये हरामी बच्चे की माँ है। बेटा हरामी क्या होता है ये पूछ के तुम्हें क्या करना है? स्कूल में बच्चे मुझे हरामी कहते हैं। बेटा चाचा नेहरू कह गए थे ना कि आराम हराम होता है, इसलिए जो आदमी आराम करता है उसे हरामी कहते हैं। तो फिर मैं हरामी नहीं हूँ। हाँ, अच्छा बोलो, R-A-T रेट, रेट माने चूहा। That's good। अच्छा तुम बोलो C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली। तुम कैट कहते हो, मेरी मम्मी को क्यों देखते हो? इसे घर जाने के लिए देरी नहीं हो रही है क्या? मैं थोड़ी ही देर में चला जाऊंगा। अरे देखो आ गया हरामी। ए हरामी! मैं आराम नहीं करता हूँ, मैं हरामी नहीं हूँ। अरे हरामी वो होता है जिसका बाप ना हो। मेरा बाप है। तूने क्या तो कभी देखा है? अगर है तो तेरी माँ को क्यों काम करना पड़ता है? अगर है तो यहाँ क्यों नहीं आता है? इसका कोई हो तब कोई आए ना। कृष्ण देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है। इसका भी गॉड है, ये गॉड का बेटा है। अरे वाह मिस साहब, कभी गॉड का भी बेटा होता है? हाँ, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं वो भी गॉड का बेटा है। वो देखो, जाओ बेटा जाओ। तुम मेरे डैडी को डैडी कहा करो। वो मेरे डैडी नहीं है। अगर वो तुम्हें बेटा कह सकते हैं तो तुम भी उन्हें डैडी कहो। सुनीला, डैडी। हेलो सुनीला। हेलो डैडी। तू मुझे पिता कहे, मैं तुझे बेटा कहूँ, लाडले ऐसा कहा मेरा नसीब है, तू मेरा कोई। सुनील ने आपको डैडी कहा, आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, मेरा अपना बेटा होता। माँ माँ, मुझे डैडी ने दिया। डैडी? हाँ, सुनीला के डैडी। खबरदार, तू किसी को अपना डैडी नहीं कहेगा। अगर वो मुझे बेटा कह सकते हैं तो मैं उन्हें डैडी क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो तेरे डैडी नहीं है। तो फिर मेरे डैडी कौन है? बोलो माँ, वो यहाँ से नहीं आते। तुझे कहा ना एक दिन आ जाएंगे, स्कूल से आया है, चल खाना खा ले। पहले मुझे बता, मेरे कोई डैडी है या मैं हरामी हूँ? सुनील, सब लोग मुझे हरामी कहते हैं। गलत कहते हैं, झूठ है वो सब।
तो मेरे डैडी कहाँ हैं? वो तुमको पैसे क्यों नहीं भेजते? तुमको काम क्यों करना पड़ता है? सुनील, मुझे ये सब बातें मत किया करो। पहले मुझे बताओ, मेरे कोई डैडी हैं या मैं सचमुच हरामी हूँ? सुनील, ये लफ्ज तूने फिर मुँह से निकाला तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं जरूर कहूंगा क्या मैं हरामी हूँ। पहले मुझे बताओ क्या मैं हरामी हूँ? सुनील, 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 तू फिर नहीं कहेगा? जरूर कहूंगा, तू मेरे चल उठ के हाथ मुंह धो ले। सुना नहीं? नन्ही सी जान आग की तरह गल रही है और आपने अभी तक इसका इलाज ही नहीं कराया। मुझे तो अभी पता चला हकीम साहब कि इसे इतना बुखार है। इसे दवा दीजिए हकीम साहब। इसे दवा की जरूरत नहीं है पुजारी जी, इसके लिए दुआ कीजिए। हकीम साहब, पुजारी जी आप शहर से डॉक्टर बुलवाइए। मैं अभी जाता हूँ बेटी। कलेजे पे पत्थर रख लो बेटी, या आपने भगवान से प्रार्थना करो वो इसे अच्छा कर दे। जीवन की ज्योत ना बुझा, हे शंकर, जीवन की ज्योत ना बुझा, हे शंकर, तुझे शंकर कहूँ या कंकर, हे
दुख जाने बैठा भोला कंकर, तुझे शंकर कहूँ या कंकर, हे शंकर हे शंकर हे शंकर। अभी तक 102 है। 102? देखो तुम बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना। अच्छा विनोद, दादी माँ को जल्दी से खत लिख दो, कुछ दिन के लिए आ जाए ना। इसका ख्याल रखने के लिए? क्यों क्या हुआ? वो भी तो इसकी कोई लगती है ना। कहती सुनील स्कूल में आया होगा, मुझे नहीं देखेगा तो परेशान होगा। हाँ वो परेशान हो ना हो, तुम जरूर परेशान हो। जब देखो तब सुनील सुनील सुनील। क्यों नहीं, वो है ही इतना प्यारा, सबके दिलों को भा जाता है। मुझे भूख नहीं है। खा ले बेटा, तूने कल भी ठीक से नहीं खाया था। मुझे कल भी भूख नहीं थी। क्योंकि सुनील अब कल भी स्कूल नहीं आई थी इसलिए ना। मारो मारो, देखो सांप इधर ही निकला है। तुम्हारे घर में सांप घुस आया। सांप? देखो कहाँ है। वो रहा, चलो खत्म ही कर देते हैं। नहीं, वो बहुत जहरीला है। आप लोग तो इससे भी ज्यादा जहरीले हैं। अगर आप लोगों को जिंदा रहने का हक है तो इसे भी है, जो भगवान की शरण में आया है। ठीक है, हमारी बात आपके समझ में उस वक्त आएगी जब ये आपके बेटे को डस लेगा। चलो, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। माँ, ये मुझे नहीं डसेगा। दूध पी लो नाग देवता, और हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। सुनो, सुनीला स्कूल नहीं आया क्या? वो तो अपनी बिटिया को लेकर चला गया। तुमसे कहा ना बिस्तर में जाके लेटो। सुनील आज भी नहीं आया। तो कौन सी कयामत आ गई है? इतने सारे खिलौने, उनसे जी बहलो। खिलौनों से दिल नहीं बहलता। सुनीला, तुम्हें मम्मी ने सिखाया नहीं कि बचपन में इंसान बेजान खिलौनों से खेलता है, हर बड़ा होकर तो वो... विनोद, जा तुम अपने कमरे में जाओ। मैं देख रही हूं कुछ दिनों से तुम बहुत जली कटी बातें करने लगे हो, आखिर क्यों? पुरानी यादें आ जाने पर। खैर, आज न जाने ये दो खत एक साथ मेरी नजरों के सामने कैसे आ गए। एक तो ये है जो गीता ने घर छोड़ते वक्त लिखा था, और दूसरा जो तुमने मुझे पोल्ट्री फार्म पर यह कहते हुए दिया था कि गीता तुम्हें लिख गई है। अगर ये दोनों खत गीता ने लिखे थे तो इनका हैंडराइटिंग क्यों नहीं मैच होता? कहना क्या चाहते हो? एक खत मैंने लिखा था? नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। हाँ, वो खत मैंने लिखा था, लेकिन इसके लिए मुझे इल्जाम देने के बजाय तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी रोती हुई जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया। सोचो, वो झूठ बोलकर अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो तुम्हारा क्या हाल होता? मेरा आज क्या हाल है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। उषा,
झूठ जला देने से हकीकत नहीं जल जाती। मैं अपना विनोद तुमसे वापस लेने आई हूँ। नहीं, विनोद को मुझसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। क्या बात है उषा, तुम इतनी डरी हो क्यों? क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी विनोद? नहीं उषा, तुम जरूर कुछ मुझसे छिपा रही हो। ये चीखना, ये चिल्लाना और ये डर के कोई मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगा, क्यों है बताओ ना, क्यों है? मैं तुमसे प्यार करती हूं विनोद। अगर प्यार सच्चा हो उषा और दिल में अगर पाप ना हो तो जुदाई का डर इंसान के दिल में कभी आ नहीं सकता। ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके साए में तुम हमेशा कांपती रहती हो, जिसके अंजाम में तुम मुझे पाकर भी ये सकुन नहीं पा सकती कि तुमने मुझे पा लिया? ऐसी कौन सी गलती की है तुमने इसका प्रायश्चित तुम अभी तक नहीं कर सकी? अगर मैंने कोई गलती की है विनोद तो सिर्फ ये कि तुमसे प्यार किया है। तुमसे प्यार किया है विनोद। उस प्यार को पाने के लिए क्या किया तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं जो एक प्रेमिका को नहीं करना चाहिए। गीता बेन, आज तुम्हारा ध्यान किधर गया? ओ, न जाने सुनील कहाँ चला गया है, बताकर भी नहीं गया। अपनी बहन का घर गया होगा? नहीं, वो अब वहां नहीं जाता। चिन्नी, तुम आ गए? लेटे रहो बेटे, घर तक पहुंच गया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा। सुनील, और ना सुनील, अब आ भी जाओ ना। तुम्हें मालूम था ना कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तो आया हूँ। अगर मैं बीमार नहीं होती तो स्कूल में मिलते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। डैडी से नहीं मिलोगे? नहीं। अरे सुनील, तू इतने दिन से आया क्यों नहीं? हमसे बात नहीं करोगे? क्यों बेटा? मुझे बेटा मत कहिए। क्यों? आप मेरे क्या लगते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, कुछ ना कुछ जरूर है तेरा मेरा नाता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले, कुछ ना कुछ जरूर है तेरा मेरा नाता। जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले। कहे मैं तुझे बेटा कहूँ, लाडले ऐसा कहाँ मेरा नसीब है। तू मुझे पिता कहे मैं तुझे बेटा कहूँ, लाडले ऐसा कहाँ मेरा नसीब है। भोला भाला प्यारा है तू, अखियों का तारा है तू, जिसका तू लाल है वो बड़ा खुश नसीब है। काश मैं ओ मुन्ने तेरा पिता कहलाता, पिता कहलाता। जब जब देखूं मेरा दिल ये बोले, जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये
बोले कुछ ना कुछ जरूर है तेरा मेरा नाता जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले तेरी मेरे जैसी बातें तेरी मेरे जैसी तू मेरा कोई नहीं मैं तेरा कोई नहीं फिर भी न जाने क्यों तू इतना करीब है तेरे बगैर मुझे चैन नहीं आता जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले जब जब तुझे देखूं मेरा दिल ये बोले मम्मी नाराज हो मैंने सुनीला के डैडी से बात नहीं की देखिए इसमें सुनील का कोई कसूर नहीं आपका बेटा इतना प्यारा है कि इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है अगर मेरा कोई बेटा होता तो शायद इतना ही प्यारा होता लेकिन अगर किसी बात के लिए आप इसका मिलना मुझसे पसंद नहीं करती तो मैं सुनील से कभी बात नहीं करूंगा लेकिन आप इसे मेरी बेटी से मिलने से मत रोकिएगा आप बहुत थकी हुई लगती हैं। मैं आपको घर तक छोड़ दूं? विनोद इन्हें ड्राइवर छोड़ देगा इधर हम आपसे बात करना चाहती हैं। ड्राइवर जी जी सरकार ड्राइवर देखो इन्हें घर तक छोड़ दो जी और दादी माँ को लेते आना जी अच्छा वो बच्चा तुम्हें इतना पसंद है तो उसे गोद क्यों नहीं ले लेते सुनीला को भाई मिल जाएगा तुमको बेटा दादी माँ को कुल का वारिस हाँ उसे सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा लेकिन किसी की गोद खाली करके अपनी खुशी के लिए दूसरों को खुशी से महरूम करना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा पंडित जी मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ क्या मैं कहने आई थी वो मेरिट मशीन जो मुझे मीनू भाई ने दिलवाई थी उनकी दुकान बंद है वो आ जाए तो उन्हें वापस दे दीजिएगा लेकिन अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हो बेटी अपना घर छोड़े तो मुझे बरसों बीत गए पंडित जी शायद यहाँ के लोगों से तुम तंग आ चुकी हो लेकिन इस दुनिया में जहाँ भी जाओगी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे लोगों से तंग नहीं अपनी तकदीर से तंग आकर जा रही हूँ पुजारी जी जिस खानदान की खुशी के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली वो लोग अब इस गाँव में रहने आ गए हैं आप ही बताइए अगर उनको पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ और सुनील उनके खानदान का वारिस तो उस खानदान का क्या हश्र होगा जिसमें मेरी जगह एक और बहू आ चुकी है और जो मेरी अपनी बहन है गीता तुमको और मास्टर को पंचायत में बुलाया गया है मुझे इस गांव में ही नहीं रहना मैं पंचायत में नहीं जाऊंगी गीता अपने लिए नहीं लेकिन सुनील के लिए तुम्हें पंचायत में जरूर जाना होगा वरना वो जिंदगी भर सोचता रहेगा कि शायद उसकी माँ सच्चाई का मुकाबला न कर सकी हकीकत से डर के भाग गई ठीक है मैं पंचायत में जाऊंगी पुजारी जी ये कौन थी एक बदनसीब थी माँ जी घर से निकली तो पता न था कि गर्भवती है पता चलने पर घर गई तो उसके पति की दूसरी शादी हो चुकी थी माँ जी वही है जिनके बेटे से विनोद बाबू इतना प्यार करते हैं क्या हुआ जी क्या हुआ मुझे घर ले चलो देवी माँ किया तूने तूने गीता को जिंदा रखना था उसे एक लड़का भी देना था तो ये नाटक क्यों किया तूने शंकर तेरी तो पुजारी थी
ये परीक्षा क्यों ली तूने? अगर उषा को मालूम हो गया कितना जिंदा है तो क्या होगा? विनोद को मालूम हो गया वो बच्चा उसका अपना बेटा है तो क्या होगा? भगवान क्या होगा? कभी मालूम ना। हेलो। हाँ हाँ बोलो आकाश। आज आप गांव पंचायत में जरूर आइएगा, एक बहुत ही उलझे हुए केस का फैसला होने वाला है। मेरे आने से क्या फायदा? मैं तो यहाँ नया हूँ और फिर यहाँ के लोगों से मेरा क्या वास्ता? मुझे शक है कि जिनकी जिंदगी का फैसला होने वाला है उनका आपसे बहुत ही करीबी वास्ता है। लेकिन मैं हेलो हेलो सारे गांव वालों ने मिलकर तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुम पर जो इल्जाम है जमींदार साहब वो झूठा है, और झूठे लोगों ने ये कीचड़ सिर्फ इसलिए उछाला है कि इस गंदे वातावरण में रहते हुए भी एक बेसहारा लड़की पाक दामन क्यों है? क्यों नहीं इन सब की तरह जलील गिरी हुई और गंदी हो जाती? तुम सारे गांव वालों को गाली दे रही हो। अगर सारे गांव वाले मिलकर मुझे चौराहे पर ला सकते हैं तो मुझे भी हक है कि मैं इनके बारे में जो समझती हूँ इनके मुंह पर कह दूं। सबसे पहले दुश्मन है ये आपके साले साहब, जिनकी हवस का शिकार बनने से मैंने इनकार कर दिया। दूसरे दुश्मन ये दर्जी, क्योंकि लोग अब इनकी बजाय मुझसे कपड़े सिलवाते हैं। ये मेम साहब और इनके भैया, क्योंकि इनकी बात न मानकर मैंने धंधा शुरू करने से इनकार कर दिया। क्या बकती हो? चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपनी बात पूरी करने दो। और ये है आपकी चौथी पत्नी, जिसने अपने भाई के लिए मेरी बिटिया को खरीदना चाहा, चुराना चाहा, मार डालना चाहा। मेरे बाजार में थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से खाने के बाद मुझे पंचायत में बुला लिया इस ताई की मदद से, जिसने सारे गांव में ये खबर फैला दी कि मेरा बच्चा हरामी है। 5 साल पहले इस बच्चे के बाप का नाम बताने से इनकार किया था या नहीं? किया था। क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए नहीं, अपने बेटे के दिल की तसल्ली के लिए दे रही हूँ। हालात से मजबूर होकर मैंने अपना घर छोड़ा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं वापस अपने घर लौट गई। लेकिन तब तक पति की दूसरी शादी हो चुकी थी, वो भी मेरी अपनी बहन से। उन लोगों की नजरों में मैं मर चुकी थी। मैं वापस चली आई, अपने पति का नाम, अपने सुनील के पिता का नाम कभी ऑटो पर न लाई, ताकि उन तक मेरे जिंदा रहने की खबर न पहुंचे। खूब कहानी गढ़ी है तुमने, लेकिन इस कहानी से तुम्हारा और मास्टर का जो चक्कर है वो तो नहीं छुप सकता। आखिर हम शरीफ लोगों के बच्चे भी वहाँ पढ़ने जाते हैं। अगर स्कूल का मास्टर ही बच्चों की माँ नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। मैं भगवान की सौगन खा कर कहती हूँ इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। जमींदार साहब और पंचों, ये झूठ कहती है। इनका और मेरा तो प्यार का रिश्ता है, वो रिश्ता जो इस दुनिया में नहीं बनाया जाता बल्कि भगवान के घर से बन के आता है। और उसकी निशानी अभी तक मेरे पास है, और इस रिश्ते की कसम खाकर कहता हूं मेरी बहन के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी और बोला तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। पकड़ लो इन दोनों को और गधे पे बिठा के गांव से बाहर कर दो। आप लोग जानना चाहते थे ना कि इसका पति कौन है, इसके बेटे का बाप कौन है? वो मैं हूं और ये मेरी पत्नी है। नहीं नहीं, ये निकालो इसे भी यहां से। भरी महफिल में बेइज्जती कर दी। मतलब की बात करो मैडम। इसे गायब कर दो, जो इनाम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। Thank you.
गीता जरा सोचो, तुमने खानदान की खुशी के लिए घर छोड़ा था, और अब मैं खानदान को खुशी दे सकती हूँ, एक वारिस दे सकती हूँ, यही ना? तो ले जाओ मेरा बेटा भी, मुझसे ले जाओ, और तुम्हें ही छोड़ दूँ? गीता, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने? क्या एक घर में दो बहनें एक साथ नहीं रह सकती? दो बहनें अब एक दूसरे की सौंपती तो हैं। अगर उषा तुम्हें खुदियाँ लेने आए तो? हाँ गीता, मैं उसे लेकर आता हूँ, उसके आने तक तुम यहीं रहना। चलो, डैडी ने कहा था ना यहाँ रुकने के लिए। मैं कह रही हूँ ना चलो। नहीं, डैडी के आने तक हम यही रहेंगे। सुनील, मैं कह रही हूँ चलो। उषा, गीता, बहन, ओ मेरी बहन, इतने बरस तक मुसीबत झेलती रही, क्यों तू घर क्यों नहीं आई वापस? चलो मेरे साथ, जिंदगी का सफर मेरे लिए नहीं तो कम से कम विनोद के लिए तो चलो। उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उतरो यहाँ। सुनाई तुमने? लेकिन जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। लेकिन उषा, माँ ये हमें इधर क्यों छोड़ के गई? क्या मालूम, अगर डैडी के साथ होते तो अच्छा ही होता। ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। नमूना तो बड़ा अच्छा लाई हो। मामा, मामा, अब जरा इनसे मिलिए। हाय। ये है मेरे दो दोस्त। श्याम, जरा इधर चलना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बातें करनी है। चलिए।